अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू लर्न विद पाकिस्तान। तो आज जो टॉपिक हम सीखेंगे उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी एजुकेशन क्या करती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमें ज़िंदगी में हर जगह पर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट अचीव एनी सक्सेस इन लाइफ, यानी अगर हमें ज़िंदगी में कोई भी सक्सेस हासिल करनी है तो इसके लिए हमें एजुकेशन ही मदद देती है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एजुकेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, यानी हमारा फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फ्यूचर में ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें एजुकेशन ही की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा फ्यूचर एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। चौथा पॉइंट है, इट हेल्प्स अस लर्न मेनी न्यू एंड गुड थिंग्स, अगर हमें एजुकेशन आएगी, यानी हमें पढ़ना लिखना आएगा, तो उसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हम बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम फ्यूचर में कोई भी नया स्किल, नया काम या कोई भी डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है, इट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन अस, और पांचवा पॉइंट क्या है कि ये एजुकेशन ही की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हमें तो फ्यूचर की प्रोटेक्शन करना नहीं आएगी, अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी जो पर्सनालिटी होगी उसमें कॉन्फिडेंस की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद छठा पॉइंट है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी एजुकेशन ही वो ज़रिया है जिस जो हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देती है। इट ब्रिंग्स अवेयरनेस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और एजुकेशन ही एक वाहिद चीज़ है जो हमें सही और गलत का फ़र्क समझने में मदद करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आठवां पॉइंट है, इट मेक्स अ इंडिपेंडेंट, यानी एजुकेशन हमें शऊर देती है कि हम अपनी आज़ादी को क्या रख सकें, बरकरार रख सकें, यानी बगैर एजुकेशन के हम अपनी आज़ादी की हिफाजत नहीं कर सकते। नौवां पॉइंट है, इट हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर सिटीज़न, यानी एजुकेशन ही की मदद से हमें पता होगा कि हम एक ज़िम्मेदार और अच्छे शहरी किस तरीके से बन सकते हैं, और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरीके से निभा सकते हैं, यानी एजुकेशन हमें हेल्प करती है एक अच्छा शहरी बनने के लिए भी। ओके, दसवां पॉइंट है, इट इज़ एनिशियल टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर लिविंग, यानी एजुकेशन ही हमें शऊर देती है कि हम इस दुनिया को एक बेहतरीन रहने की जगह बनाएं, क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो हमें एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में नहीं पता होगा, हमें हमारे कंजप्शन के बारे में नहीं पता होगा, हमें हमारी दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो ये हमें हेल्प करती है किस में, एक बेटर वर्ल्ड बनाने में। इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज स्किल एंड डेवलप द आवर ऑल पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, यानी एजुकेशन क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और हमारे ओवर ऑल एटीट्यूड में पॉजिटिव फ़र्क लेके आती है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन ही एक फाउंडेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है। इट प्रिपेयर्स अस फेस द वर्ल्ड, ये हमें इस काबिल बनाती है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। ठीक है, उसके बाद तेरहवां पॉइंट है, इट सेड दैट एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी एक जगह ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन क्या है, ये हमारी तीसरी आँख है। वैन यू आर एजुकेटेड यू नो वैन टू स्पीक एंड वैन टू रिमाइन साइलेंस, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि हमें किस वक्त बात करनी है और किस वक्त खामोश रहना है। ठीक है, और जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप गैर ज़रूरी और बगैर मतलब की बात नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, एजुकेशन इज़ द प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी स्टोन, यानी एजुकेशन एक ऐसी दौलत है जो कोई भी आपकी चोरी नहीं कर सकता। सत्रहवां पॉइंट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आपने दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लेके आनी है, अच्छी अच्छी चेंजेस लेके आनी है, तो एजुकेशन भी उसमें अहम किरदार अदा करती है और ये सबसे जो है वो पावरफुल टूल है। इट इज़ अ रे ऑफ लाइट इन द डार्कनेस, बिल्कुल एजुकेशन इस तरह है जिस तरह के एक अंधेरे में एक जो
टॉर्च की रोशनी होती है, एक शमा की रोशनी होती है, तो वो रोल प्ले करती है। इट सर्टनली इज़ द होप फॉर अ गुड लाइफ। एजुकेशन ही वो वाहिद जरिया है जो हमारी गुड लाइफ को गुड बना सकता है। एजुकेशन ब्राइट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आती है। इट इज इन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरी वन। हमने आमतौर पर देखा है कि जो कोई एक पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी हर जगह पर क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जिस टॉपिक को हमने कवर किया है उसकी तकरीबन इम्पोर्टेंस आपको पता चली होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।